दम आलू बहुत सारे तरीकों से बनाया जाता है और ये मेरी फेवरेट रेसिपी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज मैं आपको दूंगी दम आलू की बहुत ही यमी और टेस्टी रेसिपी। ये मेरा स्टाइल है बनाने का और आई होप आपको बहुत पसंद है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डीप कढ़ाई ली है और इसमें मैं डाल दूंगी तेल, करीब एक टीस्पून डालना है, बहुत ज़्यादा तेल अभी नहीं डालेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून जो है लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। इनको मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर है मेरे पास आलू, तो ये आलू मैंने पहले से उबाल लिए थे और क्योंकि ये साइज़ में बड़े थे मैंने इसलिए दो हिस्सों में इनको डिवाइड कर लिया है। ज़्यादा मैंने इनको बॉयल नहीं किया है, हल्के से कच्चे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ग्रेवी में भी ये थोड़े से पके। तो इस टाइम पर हम इस पर थोड़ा सा जो ऑयल है वो ऊपर से डाल देंगे, जिससे क्या होगा हमारे आलू बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। तो बस हमें इनको सौते करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। आलू जो है भुनकर बिल्कुल तैयार है, एकदम क्रिस्प हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है इनको। और इनको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। ये मैंने इनको निकाल लिया है और अब बचे हुए तेल में मैं डालूंगी थोड़े खड़े मसाले, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 3-4 काली मिर्चें और 2 लौंग। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 8 से 10 क्लोव्स गार्लिक के और 1/2 इंच जिंजर का टुकड़ा, मैंने काटा नहीं है, सब मोटा मोटा रखा है। इनको हल्का सा चला देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 3 प्याज, एकदम रफली चॉप्ड है, मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, इनको थोड़ा चलाएंगे और प्याज को बस हल्का सा सॉफ्ट करना है यहाँ पे। तो ये देखिए प्याज हल्का सा ही बस सॉफ्ट हो पाया है। हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटोज काट के, रफली चॉप किया है मैंने सब कुछ, यहाँ पे मिक्स करेंगे। और अब हम इनको कवर करेंगे और टमाटोज को सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। टमाटरों को ढके हुए हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम हो चुका है, आइए इनको चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और मैंने इनको बीच में एक दो बार चला दिया था जिससे कि ये लगे नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ड्राई हो रहे हैं तो हल्का सा पानी डाल के इनको पकने दें। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, प्याज और टमाटर को एकदम ठंडा हो जाने देंगे और इनको बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेंगे। मैंने मसाले को पीस लिया है और आइए हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए मैं वापस से यही पैन लूँगी और इसमें डाल दूँगी ऑयल। तो करीब 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे हम इसमें। इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा और ज़ीरे को थोड़ा स्प्लैटर होने देंगे। ये देखिए हमारा ज़ीरा अब पक चुका है। हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर। इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ये अपना डाल देंगे पेस्ट। तो बहुत ज़रूरी है आप इस मसाले को तब तक भूनें जब तक कि ये ऑयल को रिलीज़ ना करे। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने अच्छे से चला दिया है, ढक देंगे और इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। ज़रूर से ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है कि आप इसको चलाते रहें और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। मसाले को मैंने थोड़ी देर तक भुना है और आइए हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखें कुछ आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा सा डार्क से कलर का हो गया है। और अब हम इसको तेज़ आँच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत जल्दी से ऑयल रिलीज़ कर देगा और हमारा मसाला फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया है और आप देख सकते हैं इसने अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर दिया है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे ये अपने फ्राई किए हुए आलू। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, करीब 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। और आलूओं को अब हम मसाले के साथ 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। इससे क्या होगा, सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने किसी भी तरह की क्रीम या फिर कैश्यू पेस्ट का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं इन आलूओं को क्रीमी नहीं बनाना चाहती थी। ये देखिए आलूओं को भुनते हुए करीब अब 2 मिनट हो चुके हैं, कितना कलरफुल दिख रहा है, मज़ेदार और टेस्टी। इसमें डालेंगे पानी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पानी आप ज़्यादा या कम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखें ये सब्ज़ी जो है इसमें बॉईल आने लगा है। हम इसको एक बार फिर से मिक्स करेंगे, इसको कवर कर देंगे और इसको करीब 1 से 2 मिनट तक बस और पकाएंगे और हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब सब्ज़ी को कवर किए हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं, आइए इसको चेक करेंगे। एकदम बढ़िया दम आलू बनकर बिल्कुल तैयार है, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बेसिक मसालों से बनी हुई, बहुत ही यमी लगते हैं। आप इनको राइस के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ या रोटी के साथ, आई होप आपको बहुत अच्छे लगे। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।